हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। निफ्टी की एनालिसिस, वीकली एनालिसिस हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का ही, ये डेडिकेटेड निफ्टी का ही वीडियो होने वाला है। बैंक निफ्टी का मैं अलग से बनाऊंगा। तो निफ्टी ने अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये वीकली का ये थर्ड कैंडल है। यहाँ पे बुलिश साइन यहाँ पे दिखा रहा है। एक डोजी फॉर्मेशन है ये कैंडल। अभी वीकली का जो क्लोजिंग है, ये डोजी हमें मिला है। और ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी, ओपन इस टू हाई कैंडल जो है वीकली में, इसके आसपास ही कहीं पे यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिला है। तो इंटरेस्टिंग होगा अभी मंडे के दिन जो है मार्केट कहाँ पे खुलेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि मार्केट कहाँ पे खुलेगा, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, वो देखना इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन है, तो हो सकता है यहाँ पे एक हमें पॉज कैंडल भी देखने मिले, या तो फिर ये कंटिन्यूशन में जाते हुए दिख सकता है मंडे के सेशन में। ये अभी चलिए देखते हैं यहाँ पे डेली में क्या बन रहा है निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो डेली में, सॉरी, यहाँ पे डेली में जो है मार्केट स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास तो है, लेकिन ये पूरी डोजी डोजी कैंडल बना के यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वीकनेस का साइन है। अभी फ्राइडे के सेशन में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रैली दिखाया, लेकिन निफ्टी जो है बिल्कुल एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। निफ्टी ने कहीं पे हमें ट्रेंडिंग मूव दिखाया नहीं है। तो ये डेली कैंडल भी अगर देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल जो दिख रहा है, इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग मिली है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में जो है स्ट्रेंथ हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इंट्राडे में कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो हमें हमें थर्सडे के दिन जो सॉरी थर्सडे के दिन जो हमें दोनों साइड यहाँ पे रैली मिला था, डाउन साइड भी और अप साइड भी। मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में जो डाउनफॉल किया था, उसको मार्केट ने रिकवर किया। और यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे लगभग पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज यहाँ फॉर्मेशन हुआ है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कल मंडे के सेशन में कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, कहाँ पे खुलता है। तो यहाँ पे लेवल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे है, यहाँ पे मैंने हाइड करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे उसको प्लॉट कर देता हूँ एक बार। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल होने वाला है, अभी ये जो लेवल है, ये मार्किंग जो है 22,488, मैंने ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में, थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ही मैंने यहाँ पे मार्क करके रखे हुए थे फ्राइडे के लिए। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, सबसे पहले अगर इस जो डे रेंज है ये वाला जो हाई इसका अगर देखोगे तो 537 का है, 22,537। इसके ऊपर अगर मार्केट कहीं पे खुलता है तो ऊपर की साइड में हमें ये लेवल देखने मिल सकते हैं, जो कि अभी तक ये अचीव नहीं हुआ है। ये मैं इसको ये आगे ले लेता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ था। अगर गैप अप ओपन होता है डे हाई के ऊपर, तो इस तरीके से हमें प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हमें एक प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है। और लेवल जो रहेगा ऊपर साइड का 622,650 का, और 700 तक के हमें टारगेट, अगर रैली मिलता है हमें तो 700 तक हम जा सकते हैं। तो ये भी लेवल आप मार्क करके रख सकते हो यहाँ पे। ये जो लेवल है मैं आगे मिल लेता हूँ, 650 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और 700 जो है हमारा फाइनल टारगेट होने वाला है। इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डेली लेवल हम प्रोवाइड करते हैं, मैंने ये फ्राइडे के लिए ड्रॉ करके रखा हुआ था। इसे भी मैं आगे ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो शॉर्ट हम कब करेंगे, जब मार्केट 22,440 के नीचे, मतलब ये डे हाई के, डे लो के नीचे आप पकड़ के चलिए। अगर डे लो ब्रेक करता है, 22,440 का लेवल अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो हमें नीचे की साइड जो है 320 का लेवल जो है हमें देखने मिल सकता है। ये इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ।
फर्स्ट टारगेट जो होगा 340 का, 70 का सॉरी, 440 अगर ब्रेक करता है, 22,440 अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारा 22,370 होगा, और जो फुल टारगेट मतलब फाइनल टारगेट जो होगा 22,320 होगा। इसके नीचे अगर फर्दर निकलता है तो लाइव मार्केट में हम इसके अपडेट दे देंगे, तो 200 तक के या 270 तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ पे खुलेगा, इसके ऊपर डिपेंड है वो। और ये वाला लाइन जो है हम उठा के यहाँ पे ले लेते हैं, मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होता है फ्लैट, यहाँ पे मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये फ्लैट लाइन के लिए है। अभी मार्केट अगर 500 के ऊपर ओपन होएगा होता है तो ये वाले लेवल्स आपके ऊपर साइड के लिए रहने वाले हैं, और नीचे की साइड में यहाँ पे गैप डाउन अगर ओपन होता है तो 22,440 के नीचे आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, जो आपको लेके जाएगा 22,370, और उसके नीचे 22,320, उसके भी नीचे निकलता है तो 300 तक के, ये जो लो है यहाँ तक के हमें टारगेट 300 तक देखने मिल सकते हैं, या 270 तक हम यहाँ पे फर्दर नीचे जा सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था, बैंक निफ्टी का मैं अलग से बनाने वाला हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो साइडवेज मोमेंटम था मार्केट ने 3-4 दिन से दिया था, इसके बाद एक थोड़ा सा रैली हुआ था नीचे साइड और ऊपर की साइड में, और ये वाला जो है साइडवेज का पूरा दिन निकल चुका है, और हो सकता है इसी रेंज के बीच में मार्केट कहीं पे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में दे सकता है, साइडवेज जाके क्लोजिंग दे सकता है बैंक निफ्टी। हालांकि हमें काफ़ी अच्छा ट्रेंड मिला था जो हमने पूरा कैप्चर किया था, अब अगर देखना चाहो तो यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे अगर आपको जुड़ना है, इससे अगर जुड़ना है तो यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखो कि मैंने ये जो कॉल था ये, और एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जो यहाँ पे कॉल्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं ये पूरे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, ये सिर्फ आपको सीखने के लिए होते हैं किस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे, 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो 48,200 का पी मैंने दिया था, 1:02 पे 280 से लेके 300 रुपये का मैंने इसका बाइंग लेवल दिया था, और उसने अगर आप देखोगे हाई कितना लगाया है, यहाँ पे अगर देखोगे तो 686 का इसने हाई लगाया है, आप देख सकते हो। तो ये जो कॉल्स होते हैं और कुछ एनालिसिस वीडियोस यहाँ पे अगर देखोगे, आज मैंने ये इसका IRBEDA का मैंने एनालिसिस वीडियो बना के डाला हुआ है, आप इसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए, डीप इंडस्ट्रीज मैंने यहाँ पे दिया हुआ था 295 के ऊपर मैंने इसको बाइंग दिया था, अभी लगभग 300 के ऊपर वो चल रहा है अभी। बाकी के भी स्टॉक जो है आप अपने रडार में रख सकते हो, पोद्दार पिगमेंट्स है, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स है, शांति गियर्स है, HFCL लिमिटेड है, इसका मैंने लॉन्ग टर्म का ये टारगेट दिया हुआ है, और इसका बाइंग लेवल जो है 65 से लेकर 70 रुपीज़ जब आएगा तो मैंने इसका बाइंग लेवल दिया हुआ है, तो आप इसे जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल, सॉरी ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको अगर आप अगर पहली बार चैनल पे आए हो, या ये वीडियो जो है आप अगर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे ये मेरे चैनल का इंटरफेस है गोल्डन बॉस नाम से, और यहाँ पे अगर देखोगे हम डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इसके एनालिसिस वीडियोज हम यहाँ पे डालते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पेनी शेयर्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स होते हैं, उसका एनालिसिस वीडियो में यहाँ पे बना के हम डालते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। रिकॉर्ड तो मैंने रिसेंटली दिया था, इसका बाइंग लेवल दिया था मैंने, आप इसे कहाँ पे बाय कर सकते हो, कहाँ पे सेल कर सकते हो, तो इसने भी काफ़ी अच्छा तगड़ा रिटर्न हमें दिया है, और जो एंट्री पॉइंट मैंने बोला था वो भी हमें यहाँ पे मिल चुका है। और ये 0.0 मैंने निफ्टी का दिया था जिस दिन फॉल हुआ था बड़ा वाला, तो 4 रुपये का दिया था मैंने, 136 पे उसने हाई लगाया था, तो ये मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे दिया था, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो।
और काफ़ी सारे यहाँ पे रेन इंडस्ट्रीज है, एस्ट्रल लिमिटेड है, नेशनल एल्यूमिनियम है, उसके बाद सुजलॉन एनर्जी है, उसके बाद अगर देखोगे रेणुका शुगर, हिंदुस्तान शुगर, ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए मिल जाएंगे, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर के जरूर कर देना और लाइक कमेंट कर देना। बहुत सारे जो लोग ये सिर्फ वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक और कमेंट नहीं कर रहे, तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि अल्गोरिदम को जो है यूट्यूब के तो सजेशन में ये वीडियो प्रोवाइड होता है, तो बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।